तो दोस्तों जैसे ही डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑन हो जाती है और डबल टैप करता हूँ तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीवो Y33S मोबाइल में डबल टैप स्क्रीन ऑन और ऑफ सेटिंग को इनेबल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों डबल टैप स्क्रीन ऑन और ऑफ सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर का ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा डबल टैप टू लाइट, इसके सामने टिक की टिक आपके मोबाइल में डिसेबल रहेगी तो इस टिक को आपको इनेबल कर देना है। और यहाँ नीचे वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसके सामने टिक की ऑफ रहेगी तो इस टिक को आपको ऑन कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इतनी सेटिंग को इनेबल कर दोगे तो दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप वीवो Y33S मोबाइल में डबल टैप स्क्रीन ऑन ऑफ सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं।